हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुरली फ्रॉम सीमेज कॉलेज एंड मैं अपने लास्ट कुछ वीडियो जो है वो डॉट से रिलेटेड बना रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको डॉट्स के डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स के बारे में बताया। आज की इस वीडियो में मैं डॉट्स के कुछ ऐसे कमांड्स बताऊंगा जिससे आप बड़ी आसानी से अपने विंडोज मशीन के डिफरेंट विंडोज को ओपन कर सकते हैं। एंड मैं मोस्टली जो प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ मैं अपने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आज जो मैं यूज कर रहा हूँ वही अपने विंडोज 7 की मशीन यूज कर रहा हूँ एंड इसमें ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पहले से ओपन कर रखा है एंड इस कमांड प्रॉम्प्ट पे जो है अब मैं सबसे पहली चीज जो फर्स्ट कमांड मैं एंटर करने जा रहा हूँ वो है services.msc। अब ये कमांड क्या करेगा, ये कमांड जो है वो एक विंडो ओपन करेगा जिस विंडो के हेल्प से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम वाली मशीन के डिफरेंट सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कई बार प्रॉम्प्ट करता होगा विंडोज मशीन पे कि ये आपकी सर्विस नहीं रन कर रही, इस वजह से ये नहीं होगा। अब आप क्या करते हैं, सर्विसेज सर्च करते हैं। जैसे ही सर्विस रिलेटेड एरर आता है या आपने किसी सर्विस को स्टॉप करना है कुछ भी, तो आप इस जगह से उसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज, आप इनमें से किसी भी सर्विस को, जस्ट मैं ऐसे ही अभी कुछ करूंगा नहीं, मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ से देखो आपको स्टॉप का, स्टार्ट का, पॉज का, रिज्यूम का, सारे तरह के ऑप्शंस मिल रहे हैं। यानी कि आपको अपने विंडोज मशीन की सर्विसेज अगर मैनेज करनी तो आप इस विंडो से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एंड इस विंडो को ओपन करने के लिए आपको करना क्या है, बस महज ये एक छोटी सी कमांड चलानी है, services.msc। ठीक है। अब लास्ट मेरी वीडियो में मैंने आपको यूजर हैंडलिंग के बारे में बताया, तो वहां पे क्या कर रहे थे हम लोग कि नेट यूजर कमांड के हेल्प से यूजर बना रहे थे। लेकिन अगर हम चाहें तो यूजर जो है वो हम ग्राफिकली भी बना सकते हैं। ठीक है। अब ग्राफिकली कैसे हम यूजर क्रिएट करेंगे, कहां से करेंगे, इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक छोटा सा कमांड आप हिट करें, lusrmgr.msc। आपने ये कमांड एंटर किया, अब आप देखिए कि एक विंडो फिर अगेन ओपन हुई। तो ये विंडो में आपको यहाँ से आ रहा है यूजर का ऑप्शंस, जहाँ पे ये डिफरेंट यूजर्स हैं। आप जो नेट यूजर कमांड से मेरे लास्ट वीडियो में जो यूजर क्रिएट हो रही थी उसको आप यहाँ पे बड़ी आसानी से राइट क्लिक कीजिए, न्यू यूजर का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आप यूजर नेम दे करके यूजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मान लो मैं एक यूजर क्रिएट करने जा रहा हूँ हेलो के नाम से। हेलो नाम दिया, पासवर्ड सिंपल रख सकते हैं, हम रख ले रहा हूँ मैं सिंपल, वैसे रखना नहीं चाहिए जो मैं बार बार बोलता हूँ। यहाँ पे इसे अनचेक कर दीजिए जिससे आपको पहले ही लॉग इन पे पासवर्ड चेंज ना करना पड़े। User cannot change password, password never expires, now just create। आप जैसे ही इस विंडो को क्लोज करेंगे पीछे देखिए हेलो नाम का यूजर बन गया। यानी यहां से आप यूजर हैंडल कर सकते हैं और ग्रुप भी हैंडल कर सकते हैं, राइट। ये तो इसकी बात थी। अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट कमांड पे। अब मान लो कई बार आपको फायरवॉल की सेटिंग चेंज करनी होती है, उसमें कुछ काम करना होता है अपने विंडोज फायरवॉल पे, विंडोज फायरवॉल या फिर विंडोज डिफेंडर जो भी है, तो आप कैसे उसको ओपन करेंगे, तो उसके लिए भी एक सिंपल सा कमांड है firewall.cpl। मैंने कमांड हिट कर रहा हूं, देखिए अब यहां पे फायरवॉल की सेटिंग आ गई। अब टर्न विंडोज फायरवॉल ऑन और ऑफ, वैसे मोस्टली हमें ऑन रखना चाहिए लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ होता है जो हमें डिफरेंट टास्क करने होते हैं तो हमें फायरवॉल ऑफ करना होता है। यहाँ से आप बड़ी आसानी से उसे ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे ऑफ कर दिया एंड जैसे ही आप ओके करेंगे ये सेटिंग आ जाएगी। खैर मुझे ये करना नहीं, जस्ट कैंसिल। ओके, सो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने फायरवॉल की भी सेटिंग को ओपन कर लिया। अब नेक्स्ट आता है, कई बार हमें कंट्रोल पैनल में जाना होता है। कंट्रोल पैनल में कैसे जाए, तो इसके लिए आप एक्सप्लोर करते हैं या सर्च करते हैं। अगर आप सिंपल एक कमांड हिट करें control, जैसे ही आप कंट्रोल टाइप करते हैं देखिए कंट्रोल पैनल ओपन विंडो हो गया।
अब यहाँ से आपको जो भी चीजें मैनेज करनी है कर लीजिए। वैसे कंट्रोल पैनल जो है सिस्टम को मैनेज करने के लिए यूज होता है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल बड़ी आसानी से ओपन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये जो कुछ मेरे कमांड्स थे इनके हेल्प से आप बड़ी आसानी से अपने डिफरेंट डिफरेंट टास्क को कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली लास्ट में एक कमांड हिट कर रहा हूं, अगर मुझे ये सिस्टम शट डाउन कर देना है तो शट डाउन करने का क्या कमांड होगा, शट डाउन। अगर मैं यहां पे माइनस एस देता हूं तो ये शट डाउन करेगा, एंड अगर मैं माइनस एल देता हूं ये तो लॉग ऑफ करेगा। तो फाइनली मैं शट डाउन करने जा रहा हूं, इसके बाद मैं माइनस टी दे देता हूं और जीरो दे देता हूं। जैसे ही मैंने ये डाला मशीन पे एंटर किया, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, शट डाउन स्पेस माइनस एस स्पेस माइनस टी स्पेस जीरो, एंटर हिट किया, देखिए मेरी मशीन बंद हो रही। खैर ये मैं मुझे परेशानी की बात नहीं है क्योंकि मैं अपना वर्चुअल प्लेटफॉर्म बंद कर रहा हूँ। मेरी मशीन बंद हो गई, अब बड़ी आसानी से मैं आ जाऊँ अपनी ये मैं वर्च सॉरी ओके फाइन मैं आ गया अपनी मेन मशीन। इस तरीके से मैंने आज जो आपको समझाया वो कुछ ऐसे शॉर्टकट कमांड समझाए जिसके हेल्प से आप डिफरेंट सर्विस को ओपन कर सकते हैं, डिफरेंट विंडोज को ओपन कर सकते हैं। सो आई थिंक कि आपको मेरे ये कमांड बड़े इंटरेस्टिंग लगे होंगे, आप प्लीज इसे ट्राई करें एंड मेरी वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।